जी गोल्डन अवार्ड्स 2018 में हर एक सेलिब्रिटी ने अपने शानदार लुक और अपीयरेंस से सभी का दिल जीत लिया। लेकिन जहां हर कोई अपने लुक से सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ टीवी हॉट एक्ट्रेस निया शर्मा ने अपने बोल्ड आउटफिट से रेड कार्पेट पर काफी ज्यादा बस क्रिएट कर दिया। जी हाँ, निया शर्मा अपने गोल्डन हाइलाइटेड हेयर्स को काफी क्लासी तरीके से मैसी बन बनाए और अपने ऑल वाइट ट्रांसपेरेंट आउटफिट में बेहद बोल्ड लुक में नजर आईं। और अपनी ड्रेस के साथ मैच करते हुए निया शर्मा ने यहाँ वाइट आइटलाइनर और स्टील कलर लिप शेड काफी एलिगेंटली कैरी किया हुआ था। लेकिन रेड कार्पेट पर सबसे अलग दिखने के लिए निया ने कुछ ज्यादा ही बोल्ड ड्रेस को कैरी किया। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निया अपने इस ड्रेस को पहनने से पहले इसके स्टाइल और बोल्ड डिजाइन के चलते काफी ज्यादा नर्वस थी। देखिए कैसे निया ने अपनी इस ड्रेस के बारे में मीडिया से बातचीत के दौरान सभी को अपनी नर्वसनेस के रीजंस बताए। Thank you. अगर आपने बोल दिया मैं अच्छी लग रही हूँ, so I think I hope I'm looking good. And like always, there is no surprise. Shahid Amir has dressed me up, and I just don't go and pick an outfit. We work on an outfit together. So I think इसमें 8 months से I had been working on this, and many many trials, many many things have gone into it, and I was really nervous to pull this off. And I think my makeup artist and everybody has done a pretty awesome job. I think I'm looking fine. Next 9 Live Newsroom की रिपोर्ट।